क्लासिक्स क्लासिक्स आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे बेटा। इंग्लिश ग्रामर का हमारा चैप्टर नंबर 12 है द एडजेक्टिव काइंड्स। तो जो एडजेक्टिव है और उसके काइंड्स हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा। एडजेक्टिव हमें पता है क्या होता है, द वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के मीनिंग में जो कुछ ऐड कर दें जो उसके क्वालिफाई करे नाउन को, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जितने भी क्वालिफाइंग वर्ड्स होंगे वो सभी हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो बेटा यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन दे रखे हैं, कुछ यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे मैरी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैरी बहुत ब्यूटीफुल गर्ल थी। हम ये भी कह सकते थे मैरी इज़ अ गर्ल, लेकिन हमने क्या बोला, ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल यहाँ पे नाउन था और नाउन की हमने क्वालिटी बताई कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है। शी लिव्स इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े हाउस में रहती है। हाउस यहाँ पे नाउन था, हाउस की हमने क्वालिटी बताई कि वो बिग है। देयर आर थ्री रूम्स इन हर हाउस, यहाँ पे रूम्स के बारे में हमने क्या कहा, वो थ्री हैं। तो ये हमने क्वालिटी क्या बताई, नंबर बताए। हर मतलब उसका हाउस, इसमें हमने पोजिशन बताया। तो यही सब इसके काइंड्स होते हैं। पहला काइंड होता है क्वालिटी, जिसमें आपको क्वालिटी बता दी जाए, वाइज है, ब्लाइंड है, ब्रीव है, बिग है। नेक्स्ट होता है क्वांटिटी, जिसमें आपको बता दिया जाए थोड़ा है, बहुत है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी दीजिए। ही हैज़ स्पेंट ऑल द मनी, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब हमें ये नहीं पता कितने खर्च करे, 10,000, 20,000, 15,000, सारे कर दिए, बस हमने ये बोला। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर में हमें पता होता है फर्स्ट, योर सिस्टर गॉट फर्स्ट पोजिशन, आपकी सिस्टर पहली पोजिशन पर, शी प्लेज विद टू डॉल, वो दो डॉल से खेल रही है। तो यहाँ पे नंबर है, पहला पोजिशन दो डॉल, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो। नेक्स्ट है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेटा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसमें हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस हाउस इज माइन, ये वाला घर मेरा है। दैट बर्ड इज वाइट, वो वाली चिड़िया वाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में आप डिवाइड कर दो। ईच मैन हैड अ गन, हर एक आदमी के पास गन थी। आई हैव रीड एवरी बुक, मैंने सारी बुकें पढ़ ली हैं, हर बुक पढ़ ली है। यू कैन टेक आइदर पेन, तुम दोनों में से कोई पेन ले लो, मतलब डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बेटा जो क्वेश्चन पूछते, विच अम्ब्रेला डू यू यूज इन रेन्स, ठीक है। पॉजिटिव में आपके पोजिशन वाले वर्ड्स आ जाएँ, योर, हिज, देयर, आवर। डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। कौन सी काइंड हमें पर्सन और थिंग्स के बारे में बताती है बेटा, हमें उसकी क्वालिटी बताती है। टू जो है ये कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाइदर ऑफ टू बुक्स में जो नाइदर है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें क्या हो गया, नाइदर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के साथ कौन सा नाउन यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज टू हमसे कह रही है बेटा कुछ करेक्ट एडजेक्टिव इसमें लिखने हैं। आई सॉ एंड डैश मैन वॉकिंग विद अ स्टिक, आई सॉ एंड ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा। ही वॉन्ट्स डैश वाटर टू ड्रिंक, ही वॉन्ट्स सम वाटर टू ड्रिंक। देयर आर डैश ट्रीज इन माई गार्डन, देयर आर फाइव ट्रीज, टू ट्रीज, जो भी आप लिखना चाहें इस तरह से इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमें एडजेक्टिव ही लिखना है। ही इज डैश ईयर्स ओल्ड मैन, ही इज 50 ईयर्स ओल्ड मैन। डैश सोल्जर ब्रिंग ऑनर टू द कंट्री, ब्रेव सोल्जर्स ब्रिंग ऑनर टू द कंट्री। इस तरह से एक्सरसाइज और टू और थ्री करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कंसर्न करेंगे। थैंक यू क्लास।